क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर हस्बैंड को प्रॉब्लम थी बैक पेन की, जो आपने सॉल्व कर ही दी है, मुझे कोई इशू नहीं लग रहा है। बट मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, बचपन से मेरी जो बोन है वो टेढ़ी है, नीचे से मतलब सीधी आके नीचे से उसका कवर सीधा हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे राइट हैंड साइड में एक तरफ हड्डी उठी हुई है, उसकी वजह से मुझे ये राइट हैंड साइड मूव करने में या इससे कोई एक्स्ट्रा वॉक कर लिया, चेकिंग वगैरह ज्यादा हो गई तो उसमें प्रॉब्लम आती है मुझे। आप इससे आगे लेट जाएंगे, यहाँ से चेंज होगा आपका ये स्पाइन, देख सकते हैं रोटेट किया है। प्रॉब्लम मुझे जो लगती है वो सिर्फ यहाँ लगती है, यहाँ से मैडम, यहाँ से रोटेट हुआ है स्पाइन, ये चेंज होकर के यहाँ ऐसे, ये आपका डाउन गया है या आपका अप आया है? आपका डाउन है, ये हिप्स थोड़ा डाउन है, ये हिप्स थोड़ा अप है। ये पेन वगैरह कब से आता है आपको? सर ये 5-6 साल हो गए, मतलब बेटी की डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, बाकी ये दर्द नहीं था पहले। आफ्टर डिलीवरी हुआ है, कितने 5-6 साल हो गए, बॉडी को आप एकदम रिलैक्स हो पा वैसे, ठीक है, एकदम रिलैक्स। थोड़ा आपका ये लेफ्ट ऑसिपिटल में थोड़ा अच्छा है, कभी कभी आपको हेडेक आएगा बैक हेड, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक और लंबा सांस छोड़ेंगे, वन साइड टर्न होंगे आप मेरे तरफ, थोड़ा लंबा नीचे देंगे, थोड़ा और नीचे, कमर को और आगे दे देंगे, थोड़ा और इसको आगे देंगे, बस नीचे का पैर सीधा रखेंगे, इसे स्ट्रेट लेग स्ट्रेट, यहाँ देंगे मुझे, यहाँ देंगे मुझे, एल्बोस लॉक लॉक, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज मन अगेन टू थाउट, ऐसे ही सेम उधर टर्न होता है, और थोड़ा कंधे को नीचे लेंगे और इधर किनारे कर देंगे, थोड़ा नीचे का पैर सीधा, एक लंबा सांस लेंगे मैडम, छोड़ेंगे, वन अगेन ब्रेथ आउट, स्ट्रेट लेंगे, डिफरेंट काफी तरह,
पांच स्ट्रेट हेड नहीं मैंने कोई शोल्डर पड़ा नहीं दिया आपका स्ट्रेट हाँ सीधी भी आ जाते सही पोजिशनिंग सेम 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 ये नेक के पीछे रखने वाला एक लंबा सांस लेंगे छोड़ेंगे अब बैठ गए इधर प्लेस इधर अभी नहीं है अभी पेन नहीं है थोड़ा वॉक करें
थोड़ा ऐसा भी फील होगा कि मेरा हाइट थोड़ा इंक्रीज हुआ है। सर काले जाओगे तब टचो वो बैकबोन से भी होने से बैकबोन से भी होने से सीधी नहीं हुई है लेकिन थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है अभी। तो सर जो ये बड़ा हुआ है ये स्पेस मैम ये जो है आपका ये कर्व जो ऐसे हुआ ना स्पाइन कर्व होने से ये कर्व हुआ है तो ये प्रोमिनेंट बाहर आया है इसके वजह से आपके ये हो रहा है। ये वन हैंड यहाँ के भी वन हैंड यहाँ के भी चल रहा है वन हैंड ये बस वन है लंबा सा थोड़े ओके वन आ गया ओके अब देखेंगे चलो ये जो घुटनों से कट-कट की आवाज आती है सर रेगुलर से मैंने किया थोड़ा एक बार वो कैल्शियम का डोज वगैरह थोड़ा ले लेंगे ज्यादा लॉन्ग है 15-20 डेज थोड़ा वो होता है वो अल्ट्रासाउंड जब फोल्ड करेंगे ओपन करेंगे कट-कट आवाज बाकी कैसा लग रहा है अच्छा फील हो रहा है सर शरीर बहुत हल्का लग रहा है जो पेन मुझे था वो अब नहीं है हालांकि मैं बाहर चेयर पे बैठी थी तो मैं रेगुलर अपनी नेक को पकड़े हुए बैठी थी अगर आप अपने कैमरास में देखोगे तो वो पेन मुझे भी नहीं है सर थैंक यू सो मच आपने जो हस्बैंड के लिए किया वो भी थैंक यू सो मच और जो मेरा कर मैं ट्रीटमेंट 3 डेज का लेना चाहती हूँ तो मेरा भी समर ब्रेक है आगे वन मंथ के लिए आप मुझे अभी से डेट दे दो कब आना मुझे और कौन सी जगह आना है मेरी आउटिंग हो जाएगी और मेरा ट्रीटमेंट भी हो जाएगा आप भी देख सकते हैं थोड़ा इनका भी थोड़ा लेफ्ट साइड थोड़ा करने थोड़ा लेफ्ट साइड करने थोड़ा इसमें ना सर को बस हां माय टाइम बस अरे देखो परफेक्ट सर ओके मैडम थैंक यू सो मच सर और मुझे टाइम दे दो प्लीज मैं भी दोबारा आना चाहूंगी नहीं मैं बता देता हूं सर के साथ भी आ जाना ठीक है ओके मैडम थैंक यू सर बहुत-बहुत शुक्रिया